यदि आप भी जानना चाहते हैं कि किसी भी पीसी या लैपटॉप से किसी भी ड्राइव को कैसे हाइड करें तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इम्पोर्टेंट डेटा, हम चाहते हैं कि हम अपने इम्पोर्टेंट डेटा को ऐसा कर दें कि कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेस ना कर सके, तो इसके लिए हमें उसे या तो हाइड करना पड़ता है या फिर सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। तो बिना किसी सॉफ्टवेयर की वजह से हम हाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हम ये ड्राइव ऐप को हाइड करने जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने माई कंप्यूटर के आई जाना होगा। ये माई कंप्यूटर का आइकॉन है, यहाँ आप जाएंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। कुछ सेकंड बाद इस तरह का विंडो आएगा। यहाँ आपको डिवाइस मैनेजर दिखाई दे रहा होगा, डिवाइस डिस्क मैनेजर। डिस्क मैनेजर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको जिस भी ड्राइव को हाइड करना है उस पर राइट क्लिक करना होगा। तो हमें यहाँ ड्राइव ऐप को हाइड करना है, तो हम इस ड्राइव ऐप के ऊपर माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आप ऊपर से चौथे नंबर वाले ऑप्शन है चेंज डिवाइस लेटर पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये आप एक विंडो आएगा, यहाँ रिमूव पर क्लिक करके यस कर देंगे। यस करने के बाद अप्लाई हो जाएगा। फिर दोबारा हम देख रहे हैं ये यहाँ से एफ ड्राइव हाइड हो चुका है। इस प्रकार आप इस ड्राइव को हाइड कर सकते हैं और दोबारा उसे लाने के लिए यही प्रोसेस करना है। और रिमूव की जगह आपको ऐड करके ओके कर देना है। इसके लिए भी हम मैनेजर में जाएंगे। मैनेजर में जाने के बाद यहाँ से डिवाइस मैनेजमेंट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये विंडो आएगा। फिर जिस भी ड्राइव को आप हाइड किए रहेंगे वहाँ राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको चौथे ऑप्शन, ऊपर से चौथे ऑप्शन चेंज डिवाइस लेटर पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ ऐड ऐड क्लिक करने के बाद यहाँ ओके कर देंगे। फिर आप जो भी ड्राइव हाइड किए रहेंगे वो दोबारा शो करने लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।